हाल ही के बरसों में नींद न आने की परेशानी लोगों में बढ़ी है। रात के खाने का आपके नींद पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो लोग रात में ठीक से नहीं सो पाते उनको कई तरह की बीमारी होने का खतरा होता है। अगर आप भी नींद आने की परेशानी में रहते हैं तो आज हम लोग 10 ऐसे फूड्स के बारे में जानेंगे जिसे खाकर आप रात को अच्छी और बेहतर नींद ले सकते हैं। नंबर 1, मेलाटोनिन चीज। रात में नींद ठीक से आए इसके लिए मेलाटोनिन बनाने वाली चीज का सेवन करनी चाहिए। इसमें ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो रेनोटोनिन और मेलाटोनिन का उत्पादन करता है। बेहतर नींद के लिए दोनों बेहद जरूरी है। नंबर 2, ब्रेड। रात के खाने में रोटी या ब्रेड का खाना भी बेहतर नींद देता है। कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स का सेवन रात में जरूर करनी चाहिए। नंबर 3, आलमंड मिल्क। सोने से पहले बादाम मिल्क या दूध का सेवन भी फायदेमंद होता है। दूध मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है, साथ ही आसानी से पचने वाला खाद्य पदार्थ होने के कारण भी बेहतर नींद देता है। नंबर 4, एवोकाडो। हेल्दी डाइट के साथ वेट लॉस डाइट में एवोकाडो को शामिल करना चाहिए। अगर आपको नींद कम आती है तो आप अपने डाइट में एवोकाडो को जरूर शामिल करें। नंबर 5, उबला हुआ अंडा यानी बॉयल एग। डिनर डाइट में उबला हुआ अंडा खाने से भी अच्छी नींद आती है। अगर आपको रात में कम नींद आती है या नींद लेने में बेहद तकलीफ होती है तो ज़रूर आप उबला हुआ अंडा खाएं। नंबर 6, चेरी। नींद लेने में मदद करने वाली हार्मोन मेलाटोनिन आपको चेरी में मिल जाएगी। अगर आपको भी नींद कम आती है तो आपको भी ज़रूर चेरी खानी चाहिए। नंबर 7, दाल चावल। जी हाँ, रात के समय दाल चावल का डिनर करने से भी अच्छी नींद होती है। दाल चावल एक साथ खाने से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों एक साथ मिलती है जो अच्छी नींद लेने में मदद करती है। नंबर 8, ओट्स मिल। रात के खाने में दलिया या ओट्स का सेवन भी बेहतर नींद देता है। ओट्स में विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा होती है। नंबर 9, सोया फूड्स। हेल्दी डाइट में सोया फूड शामिल ही करनी चाहिए। खासकर रात के खाने में सोया फूड शामिल करने से भी नींद अच्छी आती है। नंबर 10, हल्दी यानी टारमरिक। अगर सर्दियों के मौसम में नींद की कमी रहती है तो आपको रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ हल्दी का सेवन करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।